हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक वन बच्चे आई होप कि आप लोग प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी Prelims आने वाला है अभी फेब के अंदर आपके जो फॉर्म्स हैं वो निकल जाएंगे राइट उसके बाद में आपका प्रिलिम कंडक्ट हो जाएगा प्रिलिम से पहले आपकी जो ड्यूटी बनती है दैट इज कि आपको जो करंट अफेयर है एटलीस्ट उसको बहुत सही तरीके से कवर करना है टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम लोग सात मिनट के अंदर अंदर आपके पास में करंट अफेयर को लेके आते हैं और ये वो वाले करंट अफेयर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्क्रूटनी के बाद निकल के यहाँ पे टू द पॉइंट के अंदर फीचर होते हैं और ये हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से चुन के जो करंट अफेयर है वो वाले ये होते हैं तो एटलीस्ट आपको टू द पॉइंट के जो हर एक करंट अफेयर है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना होता है मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको यहां पे क्योंकि नाम टू द पॉइंट है तो मैं आपको टू द पॉइंट चीज ही प्रोवाइड करूं इधर राइट कि जितना जरूरी है उतना ही आपके पास में आए यहाँ पे राइट एज बी ऑल नो की अभी सीओ पी ट्वेंटी एट है ना सीओपी जो कि हमारी यू ए के अंदर कंडक्ट हुई थी ये अभी अभी रिसेंटली जो है वो कंक्लूड हुई है अब सीओपी ट्वेंटी एट की अगर हम बात करें तो अगेन उसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स uh, हुए हैं इंडिया ने कुछ कुछ एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए हाँ किया है कुछ कुछ को साइन करने के लिए मना किया है राइट right? सारे एग्रीमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली उसके जो टारगेट्स हैं वो पुराने वाले समिट्स uh, जो हैं जो पुराने वाले प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं के टारगेट्स को रिपीट किया गया है उन्हीं के लिए नए नए टारगेट्स बनाए गए हैं लेकिन आपके लिए ये कम इंपॉर्टेंट है पुराने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट right? इसके अलावा हमारा जो सबमिट हुआ था वो वाले इंपॉर्टेंट है आपका रियो सबमिट जो है वो इंपॉर्टेंट है इन जनरल इंपॉर्टेंट है राइट right? कौन कौन से आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं कौन कौन से आपके जो एग्रीमेंट्स हैं वो लीगली बाइंडिंग है कौन से नहीं है तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right? अभी के लिए हम चलते हैं यूएन ईपी सस्टेनेबल कूलिंग अब यूएनईपी ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है ऑन सस्टेनेबल कूलिंग राइट तो हम उसके बारे में देखते हैं अभी कि सस्टेनेबल कूलिंग क्या चीज है सस्टेनेबल कूलिंग कैसे अचीव होगी उससे पहले आप ये समझिए कि कूलिंग हमें ऑलमोस्ट हर जगह रिक्वायर्ड है आज के टाइम के अंदर चाहे आपकी मेडिसन फूड सप्लाईज को स्टोर करना हो है ना या फिर आपकी आइसक्रीम के लिए भी अब आपका थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो रखा है चाहे वो हो इसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स के अंदर एसेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर आपके घरों के अंदर आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए राइट तो आपकी कूलिंग नीड्स बहुत वेरिड है आज के टाइम के अंदर राइट तो उसी को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो है यूएनईपी एन ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है प्लस एक कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया कूलिंग से रिलेटेड पॉइंट टू बी नोटेड इंडिया ने कूलिंग से रिलेटेड जो एग्रीमेंट था कूलिंग एंड क्लाइमेट ऐसा कुछ मैं नाम बोल रहा हूँ उसका राइट उसको इंडिया ने साइन नहीं किया है राइट जस्ट बिकॉज कि वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा जो हेल्थ uh, सेक्टर है uh, का, uh, वो देख के उन्होंने बोला था कि अभी जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो अभी रेडी नहीं है इसके लिए कि हम सस्टेनेबल कूलिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाए अभी तो हम हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहे हैं हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कूलिंग चाहिए फिलहाल है ना हम अभी उसको साइन नहीं करते तो आइए हम समझते हैं कि सस्टेनेबल कूलिंग यूएनईपी राइट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी सस्टेनेबल कूलिंग बोलता है कैसे आपको अचीव करनी है सबसे पहले वो देखते हैं ये आपका मोस्टली जो है मेन्स uh, uh, के अंदर जो ज्यादा काम में आएगा ये वाला पोर्शन इसके बाद में हम कूलिंग के स्टार्ट देखेंगे वो आपका प्री में काम आएगा प्लस हम आईसीएपी उसको भी देखेंगे क्या है आईसीएपी अभी आप अभी देखना वीडियो के अंदर तो यूएनईपी बोलता है कि आप नेचर बेस्ड कूलिंग रखो है ना जिसका मतलब है आपके पैसिव कूलिंग मेजर्स लाइक आपका शेडिंग वेंटिलेशन इंसुलेशन ग्रीन रूम्स एटसेक्ट्रा है ना जिससे आपका जो जो भी एरिया है वो गर्म नहीं हो रहा है एफिशियं स्टैंडर्ड बनाइएसाइज इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एनर्जी एफिशियंसी हमारे इंडिया के अंदर आपको बी है ना ये सब मिलेगा आपके स्टार रेटिंग्स होती है ना और ये सब चीजें हैं इंडिया के अंदर तो उसको वो बोल रहा है कि एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को और बेटर कीजिए बाय द वे अगर कोई आपकी कूलिंग नीड है और वो एक एफिशिएंट तरीके से आपकी पूरी हो रही है तो दैट मींस इट विल इट विल सेव यू मनी एज वेल राइट तो इट्स इट्स अ विन विन सिचुएशन राइट तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो ये विन विन सिचुएशन है आपके भी कॉस्ट उसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जाता है आगे देखते हैं और बोल रहे हैं फेज डाउन ऑफ दिस रेफर टू द यूज ऑफ ऑल्टरेट सब्सटेंसिस टू कूल सच सचेस हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड राइट इंस्टेड ऑफ एच एफ सीज है ना? जो कि आपकी ओजोन डिप्लीटिंग होती है दैट्स आई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्टिंग के अंदर ही कि वो इंपॉर्टेंट है यही है उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की पैसिव कूलिंग करनी है एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाओ डाउन को फास्ट करो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन रखो मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस एंड लेबलिंग राइट कि मिनिमम इतनी परफॉर्मेंस तो देनी ही देनी ही है है एक्सेलरेट फेज डाउन और क्लाइमेट वार्मिंग ठीक जी और इसके अलावा एक कूल cool क्वालियशन हुई है जिसका नाम भी कूल cool है कूल cool कॉलेशन इसको ग्लोबल कूलिंग प्लेज कहा जाता है है ना कंट्रीज ने इसको साइन किया इंडिया ने साइन नहीं किया है ना और ये यहीं पे लॉन्च हुई थी और सिमिलर से इसके अंदर आपको जो है टारगेट देखने को मिलते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कूलिंग क्टर क्यों हम इसको इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे कूलिंग सेक्टर जो है ये हाईली एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है आपका भी एसी का बिल जो है वो सबसे ज्यादा आता होगा है ना तो सुना होगा आपने घर वालों से अकाउंटिंग फॉर ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ट्वेंटी परसेंट वन फिफ्थ तो आपका सिर्फ कूलिंग के लिए जा रहा है बच्चे है ना तो इसलिए ये सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है ना मोस्ट टेक्नोलॉजी यूज द पोटेंट जी ग्रीन हाउस गैसेज लाइक एच एफ सी है ना इसके अलावा इट इज असेंशियल ये मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक आप लूप में फंस जाते हो कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से और कूलिंग चाहिए राइट सो इट्स अ अशियस साइकिल आगे देखते बच्चे द द रिजल्ट इन रिजल्टिंग एमिशन कुड बी बिटवीन 4.4 बिलियन बिलियन टू 6.1 ऑफ ठीक है जी विच इज हाई अमाउंट दिस इक्वल टू मोर देन 10 परसेंट ऑफ द ग्लोबल प्रोजेक्टेड एमिशन इन 2050 दिस इज द बोनस स्लाइड बच्चे टेक अ स्क्रीनशॉट दिस इज द आई ऑलराइट thank you so much thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jit tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC civil service examination 2024.